Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about where is your path currently taking you? आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता आपको किधर लेकर जा रहा है, इस रास्ते की डेस्टिनेशन क्या है, और जो आपने डेस्टिनेशन डिसाइड करी है क्या वही डेस्टिनेशन है, इट्स समथिंग एल्स ओनली. ओके, सो वी आर गोना गेट टू नो अबाउट दिस, सो लेट्स हॉप राइट इन टू द रीडिंग नाउ. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव थ्री पाइल्स. सो पाइल नंबर वन इज सिक्स ऑफ कप्स, द पिंक स्टोन. पाइल नंबर टू इज फोर ऑफ पेनिकल्स, मैलेचाइट. पाइल नंबर थ्री इज एस ऑफ पेनिकल्स, येलो स्टोन. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो वाला कार्ड, वो वाली पाइल आपने पिक करनी. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीन शॉट थोड़ा पास से, ताकि आप अपनी पाइल डिसाइड कर सको. एंड अगेन, वट एवर पाइल यू आर गोना पिक, चाहे जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, जो भी आपको स्टोन अच्छा लग रहा है, वो वाला कार्ड, वो वाली पाइल जब आप पिक करोगे, या फिर कोई स्टोन, कोई कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड जब आप पिक करोगे, दैट इज गोना बी योर रीडिंग. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ दैट यू आर गोना चूज द राइट पाइल. और अभी आ रहा है स्क्रीन शॉट, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट, हेलो पाइल नंबर वन. सो दिस इज योर रीडिंग. यू चोज द सिक्स ऑफ कप्स हियर. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. यू चोज द पिंक स्टोन. सो लेट मी जस्ट पुट इट हियर. ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेन टैरो से ही शुरू करने वाले हैं. वेयर इज पाइल नंबर वन्स करंट पाथ taking them, like where, or are they on the right track, are they on the right path. Pile number one ka current path unko kahan par lekar ja raha hai, kidhar lekar ja raha hai. Okay, hamare paas bahut sare cards nikal aaye hain, ye to hum yehi sare cards hi le lete hain. So we have the 10 of cups here, which is really, really a positive card. It shows a family, emotional stability, security, and it shows that I am comfortable in my being. You're going towards comfort, all right? आपने वो डायलॉग तो हर जगह सुना ही होगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है कि 2 साल की मेहनत और 40 साल का आराम, या फिर 2 साल का आराम और 40 साल की मेहनत, कौन सा रास्ता पिक करना चाहते हो. एंड मोस्ट ऑफ यू पाइल नंबर वन, यू गाइज हैव टेकन लाइक 2 ईयर्स का हार्ड वर्क और 40 ईयर्स कम्फर्ट. तो कुछ ऐसा पाथ जो है आपने अपने लिए पिक करा है, और ये पाथ आपको इसी तरफ लेकर जा रहा है कि हाँ, 40-50 ईयर्स यू आर गोना लिव अ कम्फर्टेबल, अ चिल लाइफ, मज़े की, मज़ेदार, कम्फर्टेबल, इमोशनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के साथ. ये नहीं कि फाइनेंशियली सब अच्छा, नहीं, इमोशनली यू आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स अ बेटर प्लेस. पीसफुल लाइफ यहाँ पर आप जीते हुए नजर आ रहे, परिवार में आप हो. सो दिस कैन बी सीन, यू हैव योर ओन फैमिली, ऑफ क्रिएटेड योर ओन फैमिली, एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट. देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर शोज कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स लाइक एक सोची समझी डायरेक्शन. पहले तो एक सोची समझी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, प्लान आपने करा हुआ है, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जा रहे हो, और आपका करंट पाथ आपको क्वीन बना रहा है, किंग बना रहा है अपने प्रोफेशन की, या अपने जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो भी आपके अंदर स्किल है ना, जो आपके करियर में यूज होगा वो स्किल, उस स्किल के आप टॉप मोस्ट पर्सन, मतलब यू आर अ जेम, यू आर अ डायमंड इन योर ओन प्रोफेशन. आप जैसा काम कोई और नहीं कर सकता है. क्वीन किंग एक ही होता है, दो नहीं रहते हैं. मतलब
एक जैसे हम कहते हैं एक मियान में दो तलवारें नहीं रहती, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. उसी तरह किंग भी एक ही होता है, क्वीन भी एक ही होती है. सो इट शोज कि आप अपने करियर में, आप अपने प्रोफेशन में एक सिंगल पीस हो जो कोई और आप जैसा काम नहीं कर सकता है. आप जो आप जैसा काम कोई और नहीं कर सकता, कॉपी भी अगर करे फिर भी कॉपी करने के लिए भी जो है अकल चाहिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए. सो अगेन नो वन कैन कॉपी यू एंड यू आर द ओरिजिनल पीस इन योर फील्ड. सो कोई कंपेटिटर एज सच आपका नहीं नजर आ रहा क्योंकि आपका बड़ा काम परफेक्शन में है. Then we have the seven of coins. Seven of coins here shows that you are right now also focusing towards the bigger picture. आपके मतलब long term goals है. जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि दो दिन बाद ये करना है, आज का ये goal है. Whereas you are a kind of a person who will have long term goals in life. और उन long term goals के लिए आप हर रोज effort डालते हो, that can be seen. And with the seven of coins it does show, seven of pentacles it does show कि patience से आप अपने काम में लगे हो और patience का जो fruit है वो भी आपको बहुत मीठा मिलेगा. This can be seen. So again the current path, whatever thing you're doing in life, उसका आपको अपने hardwork का आपको positive result ज़रूर मिलेगा. और वो money के form में भी मिल सकता है, वो किसी और form में भी मिल सकता है, but specially pentacle coins is the energy of money, so that's there. Then we have the Page of Cups. Page of Cups here shows कि आपका current path आपको बहुत एक out of the box kind of person बना रहा है, आपको बहुत अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल पर्सन बना रहा है. आप जैसा काम अगेन कोई और नहीं कर सकता. यू क्रिएट मैजिक, वट एवर यू क्रिएट इट्स रियली मैजिकल एंड पीपल लव दैट अबाउट यू. एंड यू आर ऑल्सो बीइंग समवन जो दूसरों को सर्व करना चाहता है, जो ह्यूमैनिटी को एक बेटर रास्ते, मतलब लोगों को एक अच्छे रास्ते लगाना चाहता है. और इनफैक्ट पीपल लव यू फॉर हु यू आर, पीपल लव यू क्योंकि आपके अंदर वो काइंड नेचर अभी भी है और आगे भी रहेगा. सो अगेन पीपल रियली अप्रिशिएट यू. देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हेयर. माय गॉडनेस, दिस वर्ल्ड कार्ड इज लाइक द ट्रॉफी इन द एंड. वो जो फर्स्ट पोजीशन पर जो पर्सन आता है, सबसे पहले तो थर्ड सेकंड उनको मेडल वगैरह मिल जाता है, फिर फर्स्ट वाले को बुलाया जाता है जिसको गोल्ड मेडल मिलेगा, जिसको ट्रॉफी मिलेगी. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ट्रॉफी विद द वर्ल्ड हेयर फॉर यू. फाइल नंबर वन, इट्स शोज कि वर्ल्ड वाइड आपको यहाँ पर फेम भी मिलेगा, ये यहाँ पर पक्की बात नजर आ रही है. लाइक पीपल विल रिकॉग्नाइज यू फॉर हु यू आर, फॉर योर वर्क. एंड मैनी ऑफ यू कैन वर्क टूवर्ड्स हेल्थ केयर, मैनी ऑफ यू कैन वर्क टूवर्ड्स सेविंग ह्यूमैनिटी, मैनी ऑफ यू कैन वर्क टूवर्ड्स गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट में आप काम करो एंड पीपल नो यू फॉर योर वर्क. और जैसे विद द वर्ल्ड इट also shows many of you can work in multinational companies etc. but jo bhi hai, matlab world card yahan ye show kar raha hai ki you are being recognized, you have fame in your life, you're celebrating your success. to ha jis raste par abhi aap chal rahe ho usme aapko success zarur milne wali hai. whatever you are doing usme aapko success zarur milne wali hai. jis raste par aap chal rahe ho, it is the right track, it's the right path for you. aur jaise जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो यूनेस्को है और ये सब है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन, मैनी ऑफ यू कैन इवन वर्क इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस. आई सम हाउ फील दिस वे. मैनी ऑफ यू कैन बी वेरी गुड एथलीट्स और कैन बिकम वेरी गुड एथलीट्स. तो ये भी है. एंड अगेन द वर्ल्ड शोज कम्प्लीशन, इट शोज हैप्पीनेस, इट शोज के थिंग्स आर रियली गुड. People know you who you are and you're famous and you're respected as well. तो जिस path पर आप चल रहे हो बहुत बढ़िया path है, बहुत अच्छा path है, इस पर आपको चलते रहना चाहिए. So yeah, यहाँ पर कुछ और हम information लेते हैं. Let's pull some cards from this deck, this oracle deck. Pile number one. Where is pile number one's current path taking them? Okay, so we have willpower. Again, we have the world here. We have the moon. We have earth. We have moon. It does show ke jo aapka emotional self hai, the things you are passionate about, you can really make them in a
यू कैन प्रैक्टिकली डू दैट. मतलब जैसे अर्थ साइन होते हैं ना हमारे, टॉरस वर्गो केप्रिकॉन, और वाटर साइन होते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी. जैसे कैंसर हो गया बचपन की चीज़ें जो आप मतलब बड़े होके करना चाहते थे. स्कॉर्पियो साइन उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो आपके डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज है, जो ड्रीम्स भी है इनफैक्ट, और पाइसीज भी ड्रीम्स को शो करता है. और पाइसीज जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी शो करता है, और पाइसीज पास लाइफ की डिज़ायर्स को भी शो करता है. तो समहाउ ऑल दीज थिंग्स विल बी यू नो लाइक वो आप प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो. अगेन टॉरस जो है वो मनी का साइन है, कुटुंब का साइन है, फैमिली का साइन है. वर्गो जो है सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विसेबल जॉब्स में होना, हॉस्पिटल्स, कोर्ट हाउसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ लॉयर, डीलिंग विद अदर पीपल्स प्रॉब्लम, उसका साइन है वर्गो. और जो केप्रिकॉन है वो नेचुरली एफर्ट्स और वर्क रिलेटेड साइन है, हमारे ऑफिस प्लेस या फिर मार्केट प्लेस को शो करता. सो यू विल बी एबल, दिस कार्ड शोज थ्रू योर विल पावर यू विल बी एबल टू फुलफिल योर पास्ट लाइफ डिजायर्स, एंड यू विल बी एबल टू फुलफिल योर चाइल्डहुड डिजायर्स एज वेल, चाइल्डहुड ड्रीम्स एज वेल. थ्रू योर विल पावर यू विल बी एबल टू डू इट. इस पाथ पर, जिस पाथ पर आप अभी चल रहे हो, इससे वो हर चीज़ आप अचीव कर सकते हो जो अगेन आपकी होप्स विशेज डिजायर्स है, उसको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो. Then we have the passion card here. Again, you are doing something like related to passion. Many of you guys are very good singers, musicians. Matlab music instrument bhi aapko play kar sakte ho. Many of you are very good dancers, classical dancers, or you know some other dance form. Many of you again can be very athletic. So again, you are doing something which you are passionate about. It can also be related to arts, beauty, fashion, designing, creativity, beautifying something, designing something. Matlab koi creative career bhi yahan par aap फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो, जिस पाथ पर आप अभी चल रहे हो. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. अभी के लिए गाइडेंस क्या है, ये हम यहां पर इस ट्रैवलर वाले डेक से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ओरेकल से इंफॉर्मेशन. लिटरली दिस इज द ट्रैवलर रिलेटेड ही है कुछ ये. इसका नाम इस ओरेकल का नाम सम जर्नी ट्रैवलर कुछ ऐसा. सो व्हाट्स द गाइडेंस फॉर फाइल वन. सो वी हैव क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग. सो दिस इज यू नो अ गाइडेंस फॉर यू फॉर राइट नाउ. आप अभी कोई ब्रिज क्रॉस कर रहे हो, एक पार से दूसरे पार जा रहे हो. यू कैन बी ऑल्सो पाइल नंबर वन ऑन ए like you in a situation of transformation, in a situation of change, you can be in this kind of situation, and you have to you know heal yourself and connect with yourself, or mend bhi karna hai, something needs mending, and then you also have to release something. To ye aapke liye strong guidance hai. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile one. Do let me know how this reading resonates with you. Astrologically, agar hum dekhe, to of course, jo abhi maine bataye the signs bhi, jaise Taurus bataya, to Taurus mein we have the nakshatra of Kritika, we have the nakshatra of Rohini Mrigasira, phir jo Cancer hai uske andar we have Punarvasu Pushya Shlesha, और जो वर्गो साइन है वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी हास्ता चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, केप्रिकॉन में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर अषाढ़ा, श्रावण धनिष्ठा पाइसीज में पूर्वा भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. सो अगेन लेट मी रिपीट, जो टॉरस के नक्षत्र है वो है द नक्षत्र ऑफ कृतिका रोहिणी मृगशिरा. सो या दिस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग फॉर यू एस्ट्रोलॉजिकली एज वेल. फाइल वन आपका आत्मा कार्य का सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, सन मून राइजिंग असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड कैन बी प्लेस इन दीज साइंस, इन दीज नक्षत्र, इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D9 अवामशा चार्ट, या फिर इन द D12 चार्ट. ऑल राइट, सो या दैट वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग, एंड फॉर मोर सच
readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelet set, I mean, I just have one bracelet set left now. One in the sense ke ye wala jo hai, iske bas do teen piece, it's there. Aur baki sare bracelets bhi, they are sold out. So I'll, you know, in future will bring new bracelets for sure, but these are the last pieces. So if you wanna grab them, then ab last chance hai, because jo next aayegi bracelet ki, stones ki, ye cheeze, they are going to be different from this second collection which I've made. So yeah, that was it. This was the reading. So again, do check out the bracelet, do check out the readings, and again the website link is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile one. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number two. So this is your reading. You chose the malachite stone here, and you chose the four of pentacles card here. Let's get started with your reading. So let me keep this here. Let's get started with the main tarot. So what, or I should say, where is pile number two's path taking them? This path for pile number two currently hai, wo path unko kahan lekar ja raha hai? Are they on the right track? So okay, we already have these cards, so इसी से जो है हम रीडिंग करेंगे क्योंकि अपने आप आए हैं. सो वी हैव द लवर्स कार्ड हेयर फॉर यू, पाइल नंबर टू. सो इट डज शो कि जो भी आप काम या जो भी पाथ आप अभी फॉलो कर रहे हो, जो भी आप काम अभी कर रहे हो, जो भी आपका एफर्ट जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन से जो है यू विल लव द डेस्टिनेशन नंबर वन. मतलब मे बी द जर्नी इज डिफिकल्ट बट द डेस्टिनेशन इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. तो जो भी पाथ आप फॉलो करो, यू आर फॉलोइंग द राइट पाथ एंड यू आर गोन बी रियली प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने इतना मुश्किल रास्ता जो है पार कर लिया और इतनी सुंदर डेस्टिनेशन पर आप पहुँच चुके हो. एंड सो दिस कैन बी सीन हेयर. यू कैन बी रियली पैशनेट अबाउट द थिंग्स यू आर डूइंग राइट नाउ, दैट ऑफ कोर्स कैन हैपन. देन वी हैव एस ऑफ कॉइंस. सो इट अगेन शोज के मैंने ये बात ना पाइल नंबर वन में भी कही, सो इट कैन हैपन पाइल नंबर टू दैट यू आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर वन. आप इस कार्ड से जो हो यू आर ऑल्सो अट्रैक्टेड. सो इफ यू हैव टाइम एंड एनर्जी डू गो वॉच पाइल नंबर वन एज वेल, क्योंकि उसमें भी आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस होंगे. सो एस ऑफ पॉइंट्स अगेन इट शोज, जैसे कहीं ना कहीं तो आपने ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक है कि दो साल की मेहनत और 40 साल का आराम, सुकून की जिंदगी, या फिर दो साल की मौज और 40 साल काम 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 काम, बहुत सारा ढेर सारा हार्डवर्क और काम. सो यू हैव चोजन 2-3 years, मतलब कुछ सालों की मेहनत और बाकी जिंदगी आराम. तो कुछ आपने ऐसा रास्ता अपने लिए पिक करा है एंड विद द एस ऑफ कॉइंस, जो भी आप एफर्ट कर रहे हो, आप जिस भी पाथ को फॉलो कर रहे हो, उस पाथ से आपको काफ़ी मनी, काफ़ी वेल्थ मिलेगा. इनफैक्ट यू गाइज आर बिकमिंग द एंटरप्रेन्योर्स, यू गाइज आर बिकमिंग अ बिजनेस मैन और बिजनेस वुमन. हो सकता है, अगेन हो सकता है यू आर राइट नाउ फॉलोइंग अ जॉब काइंड ऑफ पैटर्न, यू वॉन्ट टू डू जॉब, बट आपका जो पाथ है, इवन दो आप जॉब्स करो, बट देर हाई चांसेस दैट इन द फ्यूचर यू आर क्रिएटिंग योर ओन बिजनेस. आपने जॉब से काफ़ी जो है एक्सपीरियंस ले लिया है, चीज़ें सीख ली है, अब आप खुद अपना बिजनेस जो हो इन फ्यूचर क्रिएट करो और उससे आपको बहुत मनी आए, उससे आपको बहुत वेल्थ मिले और वो वेल्थ आप सेव भी कर पाओगे. आप एक ऐसे इंसान हो जो पैसे की वैल्यू करता है, मनी को पावर मानता है, मनी को माया नहीं मानता है, पावर मानता है, एंड दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग. और इस वजह से जो है मनी आपके पास टिकेगा भी, जल्दी से ख़त्म नहीं होगा, आप अपने पास सेव कर सकते हो मनी काफ़ी सारा और उससे अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो. आप जिस पाथ पर अभी हो, आपको मनी की वैल्यू ये पाथ बताता है, सिखाता है. देन वी हैव द मून कार्ड. मून हेयर शोज दैट यू गाइज आर ऑल्सो द पीपल हु हैव वाइल्ड फैसिनेशंस और यू गाइज आर द पीपल हु कैन डे ड्रीम अलॉट. बट विद द मून कार्ड हेयर आई फील के यू हैव साइकिक
एनर्जीज विद इन यू और साइकिक टैलेंट्स विद इन यू, साइकिक गिफ्ट्स विद इन यू, एंड आप चीज़ें सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, सेंस कर सकते हो. और कहीं ना कहीं मैनी ऑफ यू कैन इवन फॉलो टेरो एस्ट्रोलॉजी इन द फ्यूचर. जिस पाथ पर अभी आप चल रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको टेरो एस्ट्रोलॉजी भी सिखा के जाएगा. आप दूसरे लोगों के लिए रीडिंग्स भी यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड यू कैन रियली लाइक यू कैन सेंस एनर्जीज, यू कैन सेंस थिंग्स. ये आपके अंदर एबिलिटी है या फिर आप ये एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करो किसी तरह. सो दिस कैन बी सीन हियर. देन वी हैव द नाइन ऑफ कप्स विच शोज कि यू विल लाइक हैव मल्टीपल करियर्स इन योर लाइफ. जिस पाथ पर अभी आप चल रहे हो, आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट करियर्स जो है चूज करने वाले हो. एंड दिस आई मीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन स्पेशली विद पुनर्वासु पीपल. पुनर्वासु 18 से लेकर 32 की एज तक पुनर्वासु पर्सन जो है बहुत सारे करियर्स, बहुत सारी कंपनीज बदलता ही बदलता है. एंड सैटर्न भी जो है 30th ईयर के बाद जो है डिफरेंट ग्रहस के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, हैंस इट डेफिनेटली चेंजेस समथिंग इन करियर. हमेशा हर किसी की लाइफ में 30 के बाद करियर में शिफ्ट आता ही आता है. और अगर वो पर्सन करियर में शिफ्ट नहीं लेकर आता आफ्टर 30, तो उसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती उसके करंट करियर में, करंट प्रोफेशन में. तो उसको इवेंचुअली बदलना ही पड़ता है अपना करियर, अपना पाथ, क्योंकि सैटर्न जो है इट टेक्स 30 years टू कम्प्लीट 12 जोडियक साइन. सैटर्न का एक साइकिल तो 0 to 30 और दूसरा साइकिल है 31 to 60. तो ये दो ही मेजर साइकिल होते हैं जहां पर हम अर्निंग में विश्वास करते हैं, जहां पर हम करियर में एफर्ट करना चाहते हैं. 60 के बाद लाइक देर आर गोना बी पीपल हु वुड वांट टू पुट एफर्ट्स इन करियर, बट मोस्ट ऑफ अस वांट टू सेटल डाउन, वांट्स टू रिलैक्स, वांट टू लिव अ चिल लाइफ. सो यू गाइस कैन हैव सन मून राइजिंग आत्मा कारक, अ प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड इन द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, या फिर इट कैन बी इन द नक्षत्र ऑफ श्रावण एज वेल. श्रावण भी जो है, ये श्रावण पर्सन भी 3 to 4 times एटलीस्ट अपना करियर जरूर बदलेगा. 3 to 4, 5 times अपना कंपनी, जॉब, बिजनेस वो बदलता ही है. एंड हियर यू आर बिकमिंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एज वेल. मतलब आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव करियर्स भी कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कॉरपोरेट जॉब्स भी कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ऐसे काम करो जहाँ आपकी साइकिक एबिलिटीज, इंट्यूशन यूज होगी, और आप अपने लाइफ में ऐसे भी काम करो जहाँ पर properly आपकी analytical, logical skill use होने वाली है. So you will do many kind of works in your life. You are jack of all trades. And again, you can have Jupiter Mercury conjunction in your chart. You're a lifelong learner with this. Jupiter Mercury, अगर Mercury 5 or 9 places away from Jupiter है, तब भी एक तरह से it's kind of conjunct. मतलब Jupiter और Mercury trine from each other होने चाहिए. Let's say Jupiter is in the ascendant, तो Mercury 5th or 9th house में होगा, तो ये एक combination है. एक तरह से इट्स लाइक ऑफ अ कंजंक्शन ओनली, जुपिटर मर्करी का कंजंक्शन. तो या तो मर्करी एंड जुपिटर आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5th or 9th प्लेसेज अवे फ्रॉम ईच अदर, या फिर जुपिटर मर्करी का आपके चार्ट में कंजंक्शन ही है. तो अगेन इट शोज कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारी एजुकेशन लोगे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एजुकेशन लोगे, डिग्रीज कर सकते हो इवन इन योर 40s और योर 50s. और इट डज शो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट्स, लॉट ऑफ यू नो एबिलिटीज विद इन यू, जिसको आप यूज़ करना चाहते हो और उससे आप मनी अर्न करना चाहते हो. Then we have the Nine of Coins here. Nine of Coins shows that you are the strong, independent, financially independent person, emotionally independent person, and you're going towards the life. Jaise early in life, you can work or you may live in a New York kind of environment. मतलब आप बिल्कुल downtown में रहो और बहुत busy life हो early on आपकी, और उसके बाद जो है when you have good amount of money with yourself, you will just you know say that I wanna move to the outskirts. मैं थोड़ा सिटी से बाहर जाकर कोई अच्छा घर बनाना चाहता हूँ, फ्लैट या अपार्टमेंट नहीं, घर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और वहाँ जाकर जो है रिमोट एरियाज में काम करना चाहती हूँ. वांट टू लिव अ सिंपल एंड स्लो लाइफ. जितना हम स्लो लाइफ जीते हैं उतना हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, उतनी हमारी अगेन फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ अच्छी रहती है. सो यू विल मूव टूवर्ड्स द स्लो लाइफ इन द फ्यूचर. जो भी पाथ आप अभी फॉलो कर रहे हो, इस पाथ के थ्रू आप ये स्लो लाइफ जियोगे, जहाँ पर यू कैन इवन डेवलप दिस इंटरेस्ट टूवर्ड्स गार्डनिंग, यू कैन डेवलप दिस इंटरेस्ट इन टू लिविंग अ सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ, यानी कि खुद का एक फार्म हाउस बनाना और वहाँ पर अपने यू नो वेजिटेबल्स और क्रॉप्स ग्रो करना, और वहीं पर ही घर है. यू नो ऐसे इन्वायरमेंट में आप रहते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा इन्वायरमेंट जो है
आपको अच्छा लगे. सो दिस इज ऑल्सो द इंडिकेशन. और अगर जैसे यू हैव सन मर्करी कंजंक्शन, स्पेशली मर्करी जो है इट इज आफ्टर द डिग्रीज ऑफ सन या फिर इवन बिफोर द डिग्रीज ऑफ सन, तो मतलब यही शो करता है. जो आपके फादर है उनको एग्रीकल्चर में ज़रूर जो है शौक जागेगा और वो भी एक सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ जीने की कोशिश करेंगे. फार्म हाउस उनका खुद का ज़रूर होगा. और फादर जो है अगर जैसे मर्करी लेट्स से 19 डिग्री पर है किसी साइन में और सन 22 डिग्रीज पर है, यानी फादर जो है उन्होंने अपनी एजुकेशन आपके पैदा होने से पहले कंप्लीट कर ली और उनके पास जो है बुक शेल्फ भी होगा या फिर ऐसा एक कलेक्शन ऑफ बुक ज़रूर होगा या खुद की लाइब्रेरी ज़रूर होगी फादर की. फादर अगेन इज समवन हु विल हैव नेचुरल स्किल्स ऑफ सेल्स मीडिया मार्केटिंग. और अगर लेट्स से आपका मर्करी जो है 22 डिग्रीज पर है और सन 19 डिग्रीज पर है, यानी कि मर्करी इज अबव द डिग्रीज ऑफ सन, तो फादर जो है आपके पैदा होने के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे. आपके पैदा होने के बाद वो जो है उनके पास कलेक्शन ऑफ बुक होगी या लाइब्रेरी होगी या फिर बुक शेल्फ होगा. और After your birth, they have to force themselves to learn something about sales media marketing. So, और अगेन वो सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ जीना प्रेफर करेंगे. और यही चीज़ आपके अंदर भी आएगी क्योंकि सन है ना, सन फादर को तो शो करता ही करता है और सन नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर भी है. तो हम बहुत सारी क्वालिटीज अपनी मदर और फादर की लेकर आते हैं. मून इज मदर, सन इज फादर. तो सन की भी आप क्वालिटी अंदर आपके होगी. तो यू विल ऑल्सो अगेन विद सन मर्करी कंजंक्शन या फिर अगर मर्करी एंड सन आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5 places और 9 places अवे फ्रॉम सन वी हैव मर्करी, तो अगेन ये सन मर्करी कंजंक्शन जैसा ही बिहेव करेगा. सो इट अगेन शोज दैट यू विल लाइक टू लिव अ सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ. आपको स्लो लाइफ जीने का मन करेगा और आपका कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में जस्ट लाइक योर फादर इंटरेस्ट जरूर जरूर जागेगा. एंड द थिंग इज दैट यू लाइक अ पीसफुल काम लाइफ एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट लाइफ. पीसफुल काम स्लो लाइफ की तरफ आप मूव करते हुए नजर आ रहे हो. ड्यू टू जॉब ऑफकोर्स आपको डाउनटाउन में रहना पड़ सकता है, मेन सिटी में रहना पड़ सकता है, बट आफ्टर सम टाइम वैन यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी विद योर सेल्फ देन यू विल वर्क इन अ रिमोट एरिया. कंट्री साइड में जाकर आपको रहना पसंद आए और वहाँ पर आप अपना घर बनाओ, सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ जियो. एंड अगेन यू आर डूइंग सम, यू आर स्टिल अर्निंग, यू हैव योर ओन बिजनेस, तो वो रिमोट एरिया से आप बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हो. एंड बिकॉज वी हैव द लवर्स कार्ड, सो यू आर डूइंग समथिंग विच यू वेरी लव. आप बड़ा कमिटेड हो गए अपने काम से. वर्क इज वर्शिप फॉर यू पायल टू. तो ऐसे पर्सन आप बनते हुए नजर आ रहे हो इस पाथ के थ्रू. लेट्स गेट सम मोर इन्फो. पाइल नंबर 2 का करंट पाथ उनको कहाँ लेकर जा रहा है, कुछ और इन्फॉर्मेशन. ओके, सो वी हैव हॉक प्रिंस. इट सेज स्पिरिट कम्युनिकेशन पेइंग अटेंशन. हमने इसके बारे में पहले ही बात कर ली है विद द मून कार्ड हेयर कि आपके अंदर साइकिक गिफ्ट, साइकिक अबिलिटी ज़रूर है. शायद अभी इतना वो एक्टिवेट नहीं है या फिर एक्टिवेटेड है, वट एवर इट इज़, ये और ज़्यादा बढ़ेंगी एज यू ग्रो एंड मैच्योर. एज जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उस हिसाब से आपकी भी साइकिक अबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी कि आप स्पिरिट से कम्युनिकेशन कर सकते हो, चैनल कर सकते हो दूसरों के लिए मैसेजेस. और आप बड़ा अटेंशन, मतलब यू विल पे अटेंशन टू स्मॉल लिटिल थिंग्स एज वेल. मतलब साइकिक का काम ही होता है कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना, डिटेल ओरिएंटेड होना. सिर्फ मतलब फिजिकली नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, निटपिक करना, नुक्ताचीनी करने लग जाना नहीं, पर जो हमें ख्याल आ रहा है, जो हमें सोच विचार आ रहा है उसके ऊपर बड़ा ही ऐसे उसको देखना, उसको रियलाइज करना कि ये भी एक सोच विचार मेरे अंदर आया और वो बोलते जाना है आपने. सो दिस इज व्हाट साइकिक डस, दिस इज व्हाट आई आल्सो डू, कि जो भी ख्याल मेरे मन में सबसे पहले आएगा स्टार्ट टू स्पीक अबाउट दैट थिंग. धीरे धीरे वो और ख्याल आते जाते. तो एक प्रोसेस, एक इट्स लाइक अ फ्लोइंग वाटर. वो थॉट्स जो है फ्लोइंग वाटर की तरह आते जाते. तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. आप ऐसे काम में बड़े माहिर हो सकते हो. आपको बड़ा अच्छा भी लगे ऐसा काम करके. एकदम जैसे ख्याल आई जा रहे और वो ख्याल सच भी हो रहे हैं दूसरे इंसान के लिए. सो दैट्स वाई यू बिकम ए टैरो कार्ड रीडर, यू बिकम अ साइकिक, यू बिकम अ स्पिरिट कम्युनिकेटर.
मतलब स्पिरिट के साथ यू कम्युनिकेट, तो यू विल बी, यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क एज वेल. एंड अगेन वी हैव नंबर 11. नंबर 11 रिप्रेजेंट्स कम्युनिटी. तो कम्युनिटी इन्वॉल्व है, मतलब दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं. आप जो हो ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड के लिए कुछ कर रहे हो, ये यहाँ ज़रूर नज़र आ रहा है. एंड यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ सम कम्युनिटी, यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ सम कल्ट. पाइल नंबर 2, दैट विल ऑल्सो हैपन. जो भी आपका करंट पाथ है, इट विल मेक यू सम पार्ट ऑफ सम कल्ट. चाहे वो ओशो रजनीश का कल्ट है, चाहे वो कोई भी कल्ट है, यू नो, एनी काइंड ऑफ कल्ट. सो देन वी हैव, एंड अगेन पूरा भद्रभद्रा पीपल आर द पीपल हु विल बी लुकिंग एक्सट्रीमली नॉर्मल. मतलब 9 to 5 वर्क करने वाले या कॉरपोरेट जॉब्स करने वाले, पर पूरा भद्रभद्रा पीपल आर द पीपल हु विल डेफिनेटली बी इन्वॉल्व इन सम कल्ट. दिस हैपन्स. एक्वेरियस साइन में पूर्वा भद्रपदा होता है, और पाइसी साइन में भी पूर्वा भद्रपदा स्पिल करता है. तो पूर्व भद्रपदा आर द पीपल हु जॉइन सम कल्ट फॉर श्योर इन देयर लाइफ. और जैसे पूर्व भद्रपदा, आई शुड से उत्तर फाल्गुनी भी, इवन उत्तर फाल्गुनी पीपल आर ऑल्सो द पीपल हु विल बी समवन जो किसी कल्ट का पार्ट होंगे, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू पूर्व भद्रपदा. ऑपोजिट नक्षत्र जरूर सिमिलर रिजल्ट देते हैं. देन वी हैव द लेडी ऑफ द मिरर. इट सेज रिफ्लेक्शन, इट सेज नॉन जजमेंट नंबर 44. सो आई वॉन्ट टू से इन दोनों पिक्चर्स में, इनफैक्ट ये जो आपने 4 of Pentacles भी पिक करा है, ये डाउनटाउन है, मतलब ये सिटी एरिया है. ये पर्सन कहीं दूर ही बैठा है उस सिटी से. यहाँ पर भी हॉक प्रिंस में ये पर्सन किसी जंगलों के अंदर है, और यहाँ पर भी लेडी ऑफ मिरर में ये पर्सन जंगलों में ही है, कहीं पानी के किनारे. सो अगेन यू आर, एंड हेयर एज वेल यू आर, इट इज़ शोइंग दैट यू आर लिविंग इन एन एरिया जो डाउन टाउन में नहीं है, आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी, उसमें मतलब थोड़ा सिटी से बाहर निकल के ये जगह है, एंड नियर नेचर आप यहाँ रह रहे हो. सो विद द लेडी ऑफ मिरर एज वेल, इट शोज कि जो आपका करंट पाथ है, यू, आई फील दिस इज लाइक अ गाइडिंग कार्ड फॉर यू पाइल नंबर 2 अभी के लिए, दैट यू नीड टू रिफ्लेक्ट बैक. यू शुड नॉट बी सो जजमेंटल अबाउट योर सेल्फ. मतलब यू आर योर वर्स्ट क्रिटिक एज वेल पाइल नंबर 2. यू आर योर वर्स्ट 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 क्रिटिक. आप जो एफर्ट कर दोगे ना, फिर ये सोचोगे कि क्या मैंने ठीक करा या नहीं ठीक करा. आप किसी को कुछ कह दोगे तो आपको फील होगा कि अरे मैंने उसको रूडली तो नहीं कह दिया, या मैंने उसको बुरा तो नहीं लग गया. मतलब यू always question yourself, you always doubt yourself. So don't be so judgmental about it. Reflection card यहाँ पर ये show कर रहा है कि हाँ, reflect back करना अपने काम पर, और अपने काम को और भी, you know, अच्छा बनाना, perfection की तरफ लेकर जाना अच्छी बात है. But when you become like too judgmental on yourself, that's not good. So that's a guidance. Don't be so critical about yourself. Don't become your worst critic. And again, you can be this Kritika Nakshatra person as well. You can have your Sun, Moon, Rising, Atma, Karaka in Kritika Nakshatra, because Kritika is about critical analysis. You can even be a Vishakha individual. Vishakha is also a Nakshatra related to critical analysis. Vishakha and Kritika people are extremely perfectionist people. So you can have these kind of Nakshatras as well. Last but not the least, यहाँ पर इस ट्रैवलर वाले ओरेकल से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके करंट पाथ को लेकर, और क्या गाइडेंस है अभी प्रेजेंट के लिए. कुछ भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके पाथ के बारे में, पाइल नंबर 2 जो आपको स्पिरिट देना चाहती है. सो वी हैव द डिस्कवरिंग ट्रूथ कार्ड. इट सेज यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ. अगेन इट शोज कि वहाँ पर डाउन टाउन है या कहीं दूर जो है सिटी एरिया, एंड यू आर लिविंग इन अ in the outskirts, you are living near nature. Again, यही यहाँ पर शो हो रहा है. And it says you stand in the light of truth. आपको सच का साथ देना चाहिए पाइल नंबर 2. ये अभी के लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. और यू शुड ऑल्सो डिस्कवर सम ट्रूथ. मतलब इट कैन हैपन पाइल 2, जिस सिचुएशन में आप अभी हो वो सिचुएशन सच ना हो, मतलब सच कुछ और ही है, पर दूसरे लोग झूठ पेश कर रहे हैं. एंड द थिंग इज कि आज की दुनिया का ये लगा लो ऐसा है कि
झूठ बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे भूलते जाएंगे कि दूसरे लोगों को लगेगा कि ये झूठ सच है. मतलब इतनी बार झूठ बोलो कि वो सच में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा आज की दुनिया का रिवाज है. बट क्या उसमें आपका फ़ायदा है, या क्या वो ह्यूमैनिटी है, क्या वो अच्छी चीज़ है आपको अपनी बुद्धि से अपने माइंड से उस चीज़ को जज करना है? तो अभी प्रेजेंट के लिए सिचुएशन या फिर गाइडेंस ये है कि जज करो चीज़ों को आपके अराउंड, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली समवन इज़ लाइंग टू यू, समवन इज़ नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ, एंड यू हैव टू डिस्कवर द ट्रूथ, एंड यू ऑल्सो हैव टू डिस्कवर योर ओन ट्रूथ. यू हैव टू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ. तो सच का साथ देना, इसकी बड़ी एक स्ट्रांग गाइडेंस आ रही है. और आपको खुद डिस्कवर करना पड़ेगा सच, क्योंकि दूसरे लोग पीठ कर लेंगे आपकी तरफ और आपको सच नहीं बताएंगे. आपको वो गलत रास्ते पर डाल सकते हैं. आपको अपनी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, ये कह लो आपकी, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी जो साइकिक एबिलिटी है, उससे जो रास्ता आपको ठीक लगता है, आपने वो वाला रास्ता पिक करना है, क्योंकि दूसरे लोग आपको गलत गाइड करेंगे. ऑल राइट. सो एंड अगेन, दी आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये सारी चीज़ें, आपको टेरो एस्ट्रोलॉजी मानना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग दैट. जो आपका सबकॉन्शियस माइंड या जो आपका जो लॉजिकल माइंड भी है, जब इकट्ठे हो जाए लॉजिकल और सबकॉन्शियस माइंड और साइकिक एबिलिटी जब इकट्ठे हो जाए एक बात पर, तो वो वाली बात आपको ज़रूर करनी चाहिए, वो वाला पाथ आपको ज़रूर पिक करना चाहिए. दूसरों की आपको बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए. स्पेशली दूसरे लोग आपको गलत गाइड कर सकते हैं प्रेजेंट में. ऑल राइट. एंड अगेन, दीज काइंड ऑफ टैरो रीडिंग्स आर नॉट बायस्ड, आर नॉट बायस्ड. आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी. सबसे बेटर जो होता है ना, एक अजनबी दूसरे अजनबी को राइट डायरेक्ट कर सकता है, राइट गाइडेंस दे सकता है. पर अगर कोई आपको जानता है, आप उनको जानते हो, देयर हाई चांसेस कि वो आपको रॉन्ग गाइड कर दे ड्यू टू जेलसी और ड्यू टू एनवी. बट यहाँ पर अनबायस आपको ओपिनियन मिलेगा, क्योंकि आप मुझे जानते रही हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ. मैं तो सिर्फ एनर्जी रीड करती हूँ. राइट. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू पाइल नंबर टू एंड अबाउट योर करंट पाथ. और आपका करंट पाथ आपको कहाँ लेकर जाता है, इसकी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है. तो जैसे एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें, तो फिर जो एरीज, टॉरस, लियो, वर्गो, एक्वेरियस, पाइसिस एंड इवन स्कॉर्पियो एंड इवन द साइन ऑफ लीब्रा, तो ये बड़े प्रोमिनेंट है. क्योंकि जो मैंने नक्षत्र बताए ना, उत्तर फाल्गुनी हो गया, पूर्वा भद्रपदा हो गया, विशाखा नक्षत्र हो गया, कृतिका नक्षत्र हो गया, ये दो दो साइंस में है. ये स्पिल करते हैं एक साइन से दूसरे साइन में, इस वजह से बहुत सारे साइंस बता दिए. पर हाँ, ये जो नक्षत्र है काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे आपके चार्ट में. और जो बाकी नक्षत्र भी है, जैसे एरीज में भी अब अश्विनी, भरिणी, कृतिका, कृतिका फिर स्पिल करता है टॉरस में, फिर रोहिणी, मृगशिरा. लियो में भी अब माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. वर्गो में भी अब उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा. फिर लीब्रा में भी हैव द नक्षत्र ऑफ चित्रा, स्वाति, विशाखा. विशाखा अगेन स्पिल करता है स्कॉर्पियो में. फिर अनुराधा, ज्येष्ठा. फिर जो साइन ऑफ एक्वेरियस है, उसके अंदर भी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, सतभिशाख, पूर्व भद्रपदा. फिर स्पिल करता है पूर्व भद्रपदा पाइसीज में, पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा, रेवती. तो ये साइंस, ये नक्षत्र जो है कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है आपके D1 चार्ट में, D12 चार्ट में, D9 नवामशा चार्ट में, यानी सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का और सम अदर प्लैनेट्स आर गोइंग टू बी प्लेस्ड इन दीज साइंस एंड दीज नक्षत्र इन योर चार्ट. सो yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And you can even check out this bracelet set, which is available on the website. So yeah, that was it. This was the reading. Again, the link to the website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Ace of Pentacles card and you chose the yellow stone. Let's get started with your reading. So sabse pehle hum main tarot se jo hai shuru karne wale hain. So, yeah, let's get started. Pile number 3 का जो करंट पाथ है उनको कहाँ लेकर जा रहे हैं? आर दे ऑन द राइट ट्रैक, आर दे ऑन द राइट पाथ?
पाइल नंबर 3 का पाथ उनको कहाँ लेकर जा रहा है? वेयर इज़ योर पाथ करंटली टेकिंग यू पाइल 3? ओके, सो वी हैव द मून कार्ड हियर. इट डेफिनेटली शोज मी पाइल नंबर 3 दैट यू हैव साइकिक अबिलिटीज विद इन यू. यू हैव दिस. Many of you can have interest towards tarot astrology, and that's why of course you are watching a tarot card reading, but many of you literally have so much of interest in tarot, psychic reading, psychic ability. You already have these psychic abilities since birth, और ये psychic abilities और भी आपके अंदर बढ़ती जा रही है, and somehow you are able to hear the whispers, somehow you are able to hear the messages from the spirit, and somehow जो आपका subconscious mind है या जो आपकी intuition है वो हमेशा आपको right guide करती है, whereas analytical logical skill कई बार धोखा भी दे जाती है. But with the moon card here, it does show that you may even, you know, kind of live in your own fascination, can live in your own la la land. आई नो ये अभी करंट पाथ के बारे में बिल्कुल हम टॉपिक से बिल्कुल भटक गए, बट इट डज शो, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया मून कार्ड, इट डज शो दैट यू कैन डे ड्रीम अ लॉट. यू हैव योर ओन फैसिनेशन, यू हैव योर ओन फैंटेसीज, यू डू हैव वाइल्ड फैंटेसीज पाइल 3. बट या विद द मून कार्ड, हाँ, आपके अंदर साइकिक अबिलिटीज ऑलरेडी हैं, आप टैरो, इंट्यूशन, साइकिक रीडिंग्स बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. Many of you guys will have a tarot deck, a tarot card at your home, at your place. और आप उससे usually कुछ cards pull out कर सकते हो, guidance card for you at times. अपने आप ही जो pull out करो. Then we have the sun here, such a beautiful card. So जो आपका current path है वो आपको fame की तरफ लेकर जा रहा है, वो आपको good health की तरफ लेकर जा रहा है, वो आपको आपकी relationship authorities के साथ, father के साथ better बना रहा है. जो भी path आप follow कर रहे हो उसकी वजह से आपका relationship अपने father के साथ, अपनी authority, bosses, teachers के साथ अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है. Like उनके साथ कोई फाइट आर्ग्यूमेंट एज सच इन फ्यूचर नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि आपने करंट पाथ कुछ ऐसा पिक करा है कि जिससे वो लोग काफ़ी इंप्रेस्ड है, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो. बट सन इज़ ऑल्सो अबाउट पॉजिटिविटी, इट्स अबाउट गुड हेल्थ. तो जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आपका डे टू डे लाइफ स्टाइल है, वो आपको गुड हेल्थ की तरफ ज़रूर लेकर जा रहा है. And many of you can even try for government job, that can be seen. Many of you want to be on this seat of power, want to serve in government, want to serve the country. तो ये भी चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. Then we have okay, then we have the Page of Cups. Page of Cups here shows कि आप जो पाथ आप अभी फॉलो कर रहे हो उसके अंदर यू बिकम द जेम, यू बिकम द डायमंड, यू बिकम अ पर्सन हु इज वेरी अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स, एंड पीपल रियली लाइक योर वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. मतलब जो आप सॉल्यूशंस देते हो बड़े अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स देते हो, एंड पीपल वांट यू टू बिकम देयर लीडर इन फ्यूचर ड्यू टू दीज थिंग्स, ड्यू टू दीज अबिलिटीज विच यू हैव. मतलब जो आपके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स क्वालिटीज़ है उसकी वजह से पीपल वुड वॉन्ट यू टू बी द लीडर. देन वी हैव द सिक्स ऑफ कॉइन्स. सिक्स ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ये शो कर रहा है पीपल ट्रस्ट यू अलॉट. दूसरे लोग आपको आपके पास आके अपने सीक्रेट्स बताएं, एंड दे फील दैट यू कैन कीप देअर सीक्रेट सेफ, एंड अदर पीपल हैव दिस, यू कैन से, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू. दूसरे जो आप करियर फॉलो कर रहे हो अभी या जो एजुकेशन ले रहे हो उसके थ्रू जो आपका करियर होगा उसके अंदर आपको दूसरे लोगों से मिलना पड़ेगा, एंड यू विल ऑल्सो मीट अगेन पीपल हु आर सेलिब्रिटीज और पीपल हु आर हाई अप इन द गवर्नमेंट और आर पॉलिटिशियंस और हु अगेन IAS, IPS ऑफिसर्स, जो हाई रैंक लोग हैं, कर्नल्स एटसेट्रा, उनसे आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई संबंध बनता हुआ नज़र आ रहा है, और वो लोग आपको बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं और वो लोग आपको अपना ट्रस्ट देते हैं. समहाउ दे रियली एडमायर यू एज वेल. सो वट एवर यू आर डूइंग कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज दिस पाथ इज़ रियली ब्यूटिफुल. दिस पाथ कैन बी ऑल्सो टफ, पर दूसरे लोग आपको बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड भी कर रहे हैं आपके काम की वजह से और आपको अच्छा मनी भी दे रहे हैं.
पायल नंबर 3 का करंट पाथ उनको कहाँ लेकर जा रहा है? एंड आई डू फील जैसे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, दिस इज अ सर्वेंट, दिस इज समवन जो सर्व करता है, वेटर, राइट? वेटर अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाए तो सर्व करने वाला पर्सन जो है वो वेटर कहलाता है. विद द पेज ऑफ कप्स इट शोज यू ऑल्सो बिकम समवन हु इज सर्विंग द सोसाइटी, हु इज डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री, हु इज डूइंग समथिंग फॉर मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी. और ये पेज ऑफ कप्स ये शो करता है कि यू आर ऑफरिंग समथिंग टू अदर पीपल. और जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हो इट्स नो लेस देन मैजिक. वट एवर यू क्रिएट इट्स नो लेस देन मैजिक, इट्स नो लेस देन एनीथिंग. मतलब आप जो हो ऐसी चीज़ क्रिएट करते हो जो बहुत डिफरेंट है, आपको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता आपके प्रोफेशन में. आप ओरिजिनल पीस हो, आप जैसा कोई और नहीं है आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में. नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, राइट? सो दूसरे लोग आपकी नकल भी नहीं कर पाते. आप जैसा चीज़ बनाते हो, आपके पास कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसके थ्रू आप ये चीज़ क्रिएट करते हो और लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है एंड दे बाय दैट फ्रॉम यू. तो ऐसा सिनेरियो भी यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है. एंड यू आर इन अ सर्विसेबल वर्क, सर्विसेबल जॉब, ये भी है. मतलब दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, कम्युनिटी, सोसाइटी इन्वॉल्व है. एंड अगेन यू कैन हैव जुपिटर सन कंजंक्शन इन योर चार्ट पाइल नंबर 3, या फिर सन इज ट्राइन फ्रॉम जुपिटर, यानी सन इज 5 or 9 प्लेसेज अवे फ्रॉम जुपिटर. लेट्स से जुपिटर इज इन द असेंडेंट, सन 5th or 9th हाउस में प्लेस्ड है, ट्राइन फ्रॉम जुपिटर है. तो जब भी जुपिटर सन का कंजंक्शन है या फिर जुपिटर सन आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, इट शोज कि आप और आपके फादर, यू गाइज विल बिकम वेरी फेमस इन योर कम्युनिटी, फेमस इन सोसाइटी, फेमस इन योर करियर. एंड यू गाइज विल ऑल्सो मीट people who are high up in the government or high up in some corporation, IAS, IPS officers or colonels, aap un logon se zarur miloge, aapka un logon se connection zarur hoga. ये शो होता है. अगर लेट्स से सन की डिग्री जुपिटर की डिग्री से कम है, लेट्स से सन 15 डिग्री पर है, जुपिटर 20 डिग्री पर है, तो ये शो करता है कि आपको ये जो कर्नल्स है, IAS, IPS ऑफिसर है, पीपल हु आर हाई अप इन सम कॉर्पोरेशन, हाई अप इन द गवर्नमेंट, वो आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करेंगे समहाउ. वो आपके पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके आएंगे और आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे. पर लेट्स से अगर जुपिटर 15 डिग्री पर है, सन 21 डिग्री पर है, तो ये शो करता है कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा इनके साथ एक संबंध बनाने के लिए, इनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, और आपको एफर्ट करना पड़ेगा इनसे हेल्प लेने के लिए. हेल्प ये ज़रूर कर देंगे ये लोग. सो दिस कैन बी सीन. एंड अगेन यू विल गेन फ्रॉम गवर्नमेंट, दैट कैन बी सीन विद जुपिटर सन कंजंक्शन. हाँ, और अगर लेट्स से सैटर्न इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग दिस जुपिटर सन कंजंक्शन, देयर हाई चांसेस यू एंड योर फादर आर वर्किंग इन गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और सम अदर काइंड ऑफ वर्क आर यू गाइज आर वर्किंग इन गवर्नमेंट. तो ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, या ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन जो है पाइल नंबर 3 आपके मेन बोर्ड होरोस्कोप या फिर दशांश चार्ट या फिर D12 चार्ट में हो सकता है. देन वी हैव द 7 of Coins हियर. 7 of Coins शोज कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं. यू गाइज आर द पीपल जो अगेन ये अभी के लिए भी गाइडेंस है कि जो पेटी फाइट और आर्ग्यूमेंट आप रोज फेस करते हो, जो भी यू नो चीज़ें आपका पीस ऑफ माइंड लेकर चली जाती है, वो भी रोज रोज ही, आप उनकी तरफ मत ध्यान दो, अपनी बिगर पिक्चर की तरफ ध्यान दो. फोकस टूवर्ड्स द बिग पिक्चर. एंड यू आर समवन पाइल 3 जिसके लॉन्ग टर्म गोल्स ज़रूर हैं. यू आर नॉट समवन जो कहे कि इस महीने का गोल ये है या नेक्स्ट मंथ का गोल ये है. नो, यू एक्चुअली हैव लॉन्ग टर्म गोल्स और आप उसके लिए रोज़ एफर्ट डालते हो. और आप कह सकते हो कब मुझे रिजल्ट मिलेगा, कब मेरे हार्डवर्क का स्वीट फ्रूट मुझे मिलेगा, तो गाइडेंस है कि ज़रूर मिलने वाला है. जो आप पाथ फॉलो कर रहे हो, कोई बड़ा अच्छा रिजल्ट ही आपको यहाँ पर हासिल होगा. छोटा मोटा रिजल्ट नहीं, अच्छा बड़ा रिजल्ट जो है आपको मिलने वाला है. विद द 7 of Coins अगेन इट शोज कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो.
सो दैट्स देयर एंड ऑफ द डेक में वी हैव लाइक 10 of Wands हियर. 10 of Wands शोज दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस. यू हैव टू लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस. मतलब आपकी खुद से जो एक्सपेक्टेशन है, आपके पेरेंट्स की जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, सी उन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशन रखी है, बड़ी नॉर्मल बात है, हर माँ बाप अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन रखता है. पर अगर उन एक्सपेक्टेशन का बोझ महसूस करने लग जाते तो वो बात ठीक बिल्कुल भी नहीं है. कहीं ना कहीं यू हैव टू लेट गो ऑफ दीज एक्सपेक्टेशन ताकि आप फ्रीली क्विकली आगे मूव फॉरवर्ड कर सको. एंड ऑल्सो अपना रूटीन थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसकी स्ट्रांग गाइडेंस है. आप अभी ये कह सकते हो पाइल थ्री कि अभी आई एम रियली बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं अपनी लाइफ में, बहुत काम है, ये करना है वो करना, बहुत सारे काम है, कैसे होगा. सो ये आपकी अभी की सिचुएशन हो सकती है विद द 10 of Wands पाइल नंबर 3. एंड द गाइडेंस इज दैट लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स. आप अगर ऐसा फील करो बहुत काम है, सच में बहुत सारा काम है आपके पास, आपको वो काम छोड़ना ही पड़ेगा. उनमें से कई काम आपको छोड़ने पड़ेंगे, कई काम आपको प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे कि ये काम सबसे पहले करना चाहिए क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता, ये तो दूसरी तीसरी चौथी बार भी करा जा सकता है. मतलब यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स. और काम सच में ज़्यादा है तो कुछ कामों को लेट गो करना ही समझदारी कहलाएगा. सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन, स्ट्रांग गाइडेंस फॉर यू. यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी डेक से क्या इन्फॉर्मेशन है, वेयर इज पाइल नंबर 3's करंट पाथ टेकिंग देम. मतलब पाइल नंबर 3 का जो करंट पाथ है उनको कहाँ लेकर जा रहा है. आर दे ऑन द राइट ट्रैक, आर दे ऑन द राइट पाथ. एंड आई डू सी विद द मून एंड सन हेयर, यू कैन हैव सन मून कंजंक्शन इन योर चार्ट विद इन 10 degrees जो है हम कंजंक्शन मानते हैं. मतलब लेट से सन इज एट 10 degrees, मून इज एट 19 degrees, तो हाँ ये कंजंक्शन मानेंगे. बट लेट से अगर सन इज एट 20 degrees, और आई शुड से सन इज एट 5 degrees, मून इज एट 20 degrees, तो इसको हम कंजंक्शन नहीं मानेंगे. कंजंक्शन होता है जब दो प्लैनेट्स विद इन 10 degrees में हों. तो यू कैन लिटरली हैव पाइल नंबर 3 इन योर मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवामशा चार्ट. यू हैव सन मून कंजंक्शन विद इन 10 degrees, विच ऑफकोर्स शोज कि आपको आई इशू जरूर होंगे, वीक आईज, ग्लासेस पहनने, चश्मे पहनने आपने एट अ वेरी यंग एज शुरू कर दिया. एंड यू विल ऑल्सो डील विद आइडेंटिटी क्राइसिस इन लाइफ. आपके लिए जो है आपका करियर, हर किसी के लिए करियर आइडेंटिटी बनता जरूर है. एंड अर्ली इन लाइफ विद दिस काइंड ऑफ कंजंक्शन इट शोज दैट यू कैन बी वेरी कन्फ्यूज अबाउट योर करियर, कि क्या करना चाहिए जिससे मेरे को आइडेंटिटी, जिससे मेरे को एक पर्पस महसूस हो, जिससे मेरी सोसाइटी में पहचान बने. आपके लिए फेम भी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए पोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है, मनी भी इम्पॉर्टेंट है, बट मेनली पोजिशन और फेम, पावर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. वो पोलिटिकल पावर भी हो सकती है, बट अगेन पोजिशन, सीट ऑफ पावर जिसको कहते हैं, और फेम, ये दो चीज़ें बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पाइल नंबर 3. सो वी हैव अगेन, मनी विल ऑटोमेटिकली कम जब आपको फेम मिल जाता है, जब आपको अच्छी पोजिशन मिल जाती है, मनी विल ऑटोमेटिकली कम, ये भी है. एंड अगेन आपने एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पुल आउट करा, एक्चुअली चूज करा है, तो इट डज शो कि यू आर समवन जो बड़ा करियर ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है. आपका सन मून राइजिंग आत्मा कार्य का असेंडेंट लॉर्ड कैन बी प्लेस इन द साइन ऑफ केप्रिकॉन. यानी वर्क ही मन में चलता रहता है, काम करना है, पोजिशन चाहिए, पैसे अर्न करने हैं, फेम भी चाहिए. सो वी हैव द लीब्रा साइन हेयर, इट सेज बैलेंस. सो विद दिस लीब्रा इट शोज कि इवेंचुअली जो है यू विल गेट प्रमोटेड. मतलब जो पाथ आप अभी फॉलो कर रहे हो उससे आपको प्रमोशन मिलेगा और उससे आप कोई बिजनेस भी कर सकते हो. एस ऑफ पेंटिकल्स शुरुआत को शो करता है, अपने करियर की किसी शुरुआत को शो करता है. मतलब कोई नया बिजनेस शुरू करना या कोई नई जॉब को शुरू करना, दैट. सो मेनी ऑफ यू कैन इवन यू नो डू जॉब्स अर्ली ऑन, और लेटर आप अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करो. जिस पाथ पर अभी आप चल रहे हो, ये पाथ आपको ऐसी जगह लेकर जा रहा है जहाँ पर आप बिजनेस भी क्रिएट कर रहे हो. लीब्रा यहाँ पर ये शो कर रहा है कि दूसरे लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, सोसाइटी से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है. लीब्रा इज ऑल अबाउट अदर पीपल, तो यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल, लाइक द आर्मी टू द किंग. जैसे किंग को सपोर्ट आर्मी से कितना मिलता है ना,
तो उसी तरह आपको भी दूसरे लोगों से ऐसे सपोर्ट मिलेगा जैसे वो आपकी आर्मी है. यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल. देन वी हैव दी हील कार्ड चिरोन. सो इट डेफिनेटली शोज अ स्नेक हेयर एंड इट शोज के एज वेल. सो समहाउ के अल्फाबेट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू. एंड वी हैव द मून कार्ड विच ऑल्सो शोज हीलिंग. यहाँ पर भी हील का कार्ड है. सो जो आपके पास में चीज़ें हुई, पीपल बैक स्टैब यू और यू मेट स्नेक काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ, तो उनसे आपको ज़रूर यहाँ हीलिंग मिलती हुई नज़र आ रही है. आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हो एंड यू आर हीलिंग योर सेल्फ, क्योंकि आपको ये पता है कि इसमें मेरा फ़ायदा है. यू कैन अगेन बी दिस भरणी इंडिविजुअल. भरणी फॉर अ भरणी पीपल इट बिकम पर्सन इट बिकम रियली डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ द पास्ट, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ भरणी पर्सन टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. ये उनके फायदे की बात है. तो यू कैन इवन हैव भरणी नक्षत्र क्वाइट प्रोमिनेंट इन योर लाइफ एंड नागा रूल नक्षत्र एज वेल प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. जैसे रोहिणी, मृगशिरा, श्लेषा, ये नागा रूल नक्षत्र हैं, तो ये प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपके चार्ट में. बट येस, जैसे हील का कार्ड है, इट डज शो कि दूसरे लोग अगेन विल टेल यू देयर सीक्रेट जिससे वो हील हो जाते हैं. सो आई फील कि ये एक ऐसी पाइल है, पाइल नंबर 3, जो हीलर्स, जो टेरो कार्ड रीडर्स, साइकिक रीडर्स, रेकी हीलर्स और सम अदर काइंड ऑफ हीलर्स की ये पाइल है. डॉक्टर्स की भी ये पाइल हो सकती है, IAS IPS ऑफिसर, पीपल हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट, उनकी पाइल नज़र आ रही है. एंड इवेंचुअली यू गाइज विल हैव योर ओन बिजनेस, ये भी चीज़ है. सो अगेन थ्रू हीलिंग एज वेल यू मे अर्न मनी, यू मे गेट सम पोजिशन, पीपल रिकोगनाइज यू फॉर दैट. क्योंकि जो स्नेक है, स्नेक के पास पॉइजन है और आज के डेट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वी नीड पॉइजन. जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन तो पॉइजन पर ही बेस्ड है. जैसे एक एपिस इंडिका करके मेडिसिन है होम्योपैथिक, जो कि मधुमक्खी का जहर है. और जो हमारे मतलब कितने एनिमल प्रोडक्ट हैं जो यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. और इन फैक्ट जैसे स्नेक है, ये भी शो कर रहा है कि जो आपका करंट पाथ है ना, आपको बड़ा ही ये लगा लो चेंज कर रहा है. जो आपकी नेचर थी ना, शुरू से जो नेचर थी, वो नेचर में भी बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है. जैसे एक इंसान और आई शुड से जैसे एक स्नेक अपनी स्किन छोड़ देता है और अपनी पुरानी स्किन से कोई भी उसको मोह माया नहीं होती है, पुरानी स्किन से एज सच उसको कोई अटैचमेंट नहीं होती है. उसी तरह आपको अपने आप से एज सच कोई अटैचमेंट नहीं है. लाइक यू हैव गिवन योर सेल्फ इन सर्विस टू अदर पीपल. आप शायद अपने कंफर्ट के बारे में ना सोचो इन फ्यूचर, जो आप पाथ फॉलो कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट्स के बारे में ना सोचो, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ सोचो, दूसरों के लिए बहुत कुछ करो, तभी यू विल गेट द रिस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल. स्पेशली जब आप अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए कुछ करते हो ना, वो आपके करियर को और बेटर करता है, वो आपकी लाइफ को और बेटर करता है. और आपका मन करेगा ये भी कि मैं दूसरे जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूं. मैं अगर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं, उनके लिए टाइम निकाल रहा हूं, तो मेरे पास ज़रूर अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए भी टाइम होना चाहिए ना. तो यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इन योर सेल्फ. और आपकी जो करंट सेल्फ है वो बहुत बदल चुकी है. मतलब आई शुड से जो आपकी करंट सेल्फ है और जो फ्यूचर सेल्फ है, बहुत बदलाव है, ज़मीन आसमान का अंतर है. अब यू कैन बी दिस मनी ओरिएंटेड पर्सन, बट इन फ्यूचर यू आर समवन हु विल गिव योर सेल्फ इन सर्विस टू अदर पीपल. सो ये यहाँ पर इंडिकेशन है. दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल. दूसरे लोग आपको जैसे किंग को आर्मी को किंग सपोर्ट, और आई शुड से किंग को सपोर्ट आर्मी से मिलता है, उसी तरह आपको भी दूसरे लोगों का सपोर्ट लाइक ऑफ आर्मी मिलेगा. ऑल राइट, सो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है पाइल नंबर 3 आपके लिए. तो अगेन जैसे टॉरस साइन हो गया एंड इवन आई से जेमिनी साइन हो गया, कैंसर साइन हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें नागा रूल नक्षत्र है. और आई से के इवन यू कैन हैव राहु ट्राइन फ्रॉम जुपिटर, या राहु और जुपिटर का कंजंक्शन हो सकता है, दैट कैन हैपन. राहु जुपिटर कंजंक्शन है, राहु ट्राइन फ्रॉम जुपिटर, दैट कैन हैपन. दैट्स वाई यू आर मीटिंग स्नेक काइंड ऑफ पीपल अर्ली ऑन इन लाइफ. एंड जैसे स्नेक जो है, ये कार्ड हील का कार्ड 20
8 नंबर है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपन्स कि 17 से लेके 28 की एज तक जो जिसका जिसके पास जुपिटर राहु कंजंक्शन होता है, फिर राहु इज 5 प्लेसेस और 9 प्लेसेस अवे फ्रॉम जुपिटर, ट्राइन फ्रॉम जुपिटर. सो 17 से लेके 28 की एज तक दे विल मीट पीपल जो शेडी पीपल होंगे, जो ख़राब लोग होंगे, जो इनफैक्ट ड्रग्स करते हैं. बट दिस इंडिविजुअल, दिस नेटिव हु हैव जुपिटर राहु कंजंक्शन विल स्टिल हैंग आउट विद दैम इवन आफ्टर नोइंग कि ए पर्सन ठीक नहीं है, बट स्टिल दे विल हैंग आउट विद दैम बिकॉज दे सीम्स टू बी कूल. पीयर प्रेशर में आके वट एवर इट इज दे विल मीट पीपल जो उनकी रेपुटेशन को ख़राब करेंगे. बट राहु जुपिटर कंजंक्शन पीपल, राहु ट्राइन फ्रॉम जुपिटर, ऐसे लोग जो है 36 के बाद ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं जो इनकी रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, इनके काम के लिए बहुत अच्छे हैं, इनके करियर के लिए बहुत अच्छे हैं, इनके वेल्थ और पोजिशन के लिए बहुत अच्छे हैं. फ़ायदेमंद लोगों से मिलना शुरू करते हैं 36 की एज के बाद, अच्छे कनेक्शन बनाते हैं. पर बिफोर 28 यू हैव टू टेक केयर बिकॉज यू विल मीट स्नेक काइंड ऑफ पीपल, चाहे वो अक्वेंटेंसेज है, चाहे जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आ, चाहे वो कोई दोस्त है, चाहे वो आपका क्लासमेट है, चाहे आपका वर्कमेट है, वट एवर, दे विल बी स्नेक काइंड ऑफ पीपल. सो दिस कैन बी सीन. तो अगेन द प्लानिटरी प्लेसमेंट विच आई टोल्ड यू, ये मेन बोर्ड हॉरोस्कोप या D12 चार्ट या D9 नवामशा चार्ट में होगा. और जैसे टॉरस, जेमिनी, कैंसर और लीब्रा और आई से हाँ वैसे यही साइंस जो है ये प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. वैसे केप्रिकॉन भी है ऐसे, तो केप्रिकॉन एक्वेरियस ये साइन भी है. तो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, फिर मृगशिरा जो है स्पिल करता है जेमिनी में, फिर आर्द्रा, पुनर्वासु, फिर पुनर्वासु स्पिल करता है कैंसर में, फिर पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. अश्लेषा इज अगेन अ नागारूल नक्षत्र. फिर जैसे इवन वर्गो, आई विल से वर्गो भी, वर्गो में क्योंकि वर्गो सर्विसेबल जॉब्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को शो करता है, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, चाहे वो हेल्थ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है या फिर कोई लीगल इशू है, वट एवर, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड साइन है वर्गो. वर्गो में भी है उत्तरफाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. और फिर जो केप्रिकॉन है, वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा और लीब्रा साइन. लीब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा. तो ये साइंस, ये नक्षत्र यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं आपके चार्ट में, पाइल नंबर 3. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट दिस ओरेकल, ये ट्रैवलर वाला ओरेकल है. तो यहाँ से आपके लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस आ रही है. So we have overcoming obstacles. It says you can overcome anything. So right now pile number 3, you guys can deal with some obstacles in life जो आपको overcome करने में मुश्किल लग रहा है. आपको लग रहा है कि ये परेशानी ख़त्म होगी भी कि नहीं होगी. ये health regarding भी हो सकता है, career में हो सकता है, मतलब किसी भी aspect of life में हो सकता है ये जो आप, and again you are currently in a सिचुएशन जहाँ आपको ऑब्स्टिकल, चैलेंज फेस करने को मिल रहा है. बट हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ, दिस इज द बर्डी ऑफ होप, बी होपफुल. आप इस चैलेंज को ओवरकम जरूर कर लोगे, यू कैन ओवरकम एनीथिंग. तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन. एंड अगेन यू ऑलरेडी हैव दिस साइकिक गिफ्ट विद इन यू, तो यूज दैट साइकिक गिफ्ट, यूज योर इंटुएशन फॉर श्योर पाइल नंबर 3, बिकॉज योर इंटुएशन एंड योर क्या कहते हैं इसको, योर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको राइट गाइड ज़रूर करेगा. जब एनालिटिकल लॉजिकल स्किल वर्क ना करे तो इंट्यूशन बहुत अच्छा वर्क करती है. सो लिसन टू दैट. ऑल राइट, सो या दैट वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 3. डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली. ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग, एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग. यू कैन बुक योर सेल्फ अ रीडिंग फ्रॉम माई वेबसाइट. द लिंक टू माई वेबसाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड या इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज ब्रेसलेट सेट्स, इन दिस ब्रेसलेट sets, this bracelet set is very much available on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.